प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। दो दिवसीय दौरे पर अपने गृह जनपद गोरखपुर पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। नवरात्रि के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में कलश स्थापना के साथ विभिन्न कार्यक्रम में हुए शामिल। गोरखनाथ मंदिर में करेंगे रात्रि विश्राम। मंगलवार को जनता दर्शन करने के उपरांत लखनऊ के लिए करेंगे प्रस्थान। नवरात्र के पहले दिन सीएम योगी पहुंचे बुढ़िया माई के दरबार मंदिर में पूजा अर्चना कर की प्रदेशवासियों के जीवन की मंगल कामना। मंदिर परिसर में हुए सुंदरीकरण कार्यों का लिया जायजा। गोरखनाथ मंदिर परिसर में निकाली गई परंपरागत भव्य कलश शोभा यात्रा। मंदिर के शक्ति पीठ में सीएम योगी ने कलश स्थापना कर की पहले दिन मां शैलपुत्री की आराधना। शिव अवतारी गुरु गोरखनाथ की साधना स्थली पर शक्ति उपासना का विशेष अनुष्ठान हुआ प्रारंभ। कलश स्थापना के अनुष्ठान में श्रद्धा भाव से लीन रहे गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का 7वां दीक्षांत समारोह कुलाधिपति व राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में सकुशल हुआ संपन्न। कुलाधिपति राज्यपाल ने 29 छात्र व छात्राओं को प्रदान किया गोल्ड मेडल। कहा, देश में A+ ग्रेड पाने वाला मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बनाने की सफलता का राज है टीम वर्क। जंगल कौड़िया में महंत वैद्यनाथ महाराज स्टेडियम का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया लोकार्पण। महंत वैद्यनाथ राजकीय महाविद्यालय में प्रेक्षागृह भी सीएम के हाथों हुआ लोकार्पित। 700 दिव्यांगजनों को मिला जरूरी उपकरणों का नवरात्र गिफ्ट। कहा, नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में सुनिश्चित होगा खिलाड़ियों का योगदान। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पर गोरखपुर विश्वविद्यालय में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का हुआ समापन। महामहिम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने गोरखपुर विश्वविद्यालय के गृह विज्ञान विभाग द्वारा विविधता में एकता विषय पर कार्यक्रम का किया अवलोकन। कहा, छात्र छात्राओं को पारंपरिक परिवेश में देखकर लगा बहुत अच्छा। और शारदीय नवरात्रि के अवसर पर माता मातेश्वरी सेवा दरबार के द्वारा निकाली गई कलश यात्रा। गोरखनाथ मंदिर पहुंचकर भीम सरोवर से जल भरकर वापस मातेश्वरी दरबार में कलश को किया गया स्थापित।